अब तक हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं उस एग्जाम्पल से मोलारिटी को क्लियरली अंडरस्टैंड कर गए हैं। आई थिंक इस सारे एग्जाम्पल्स के बेसिस पे अब मोलारिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन विथ 100% परफेक्शन। मीन्स कहीं कोई मिस्टेक आपसे नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑल टाइप के मैं क्वेश्चंस को आपको बता दिया हूँ क्या क्या आ सकता है। साथ में एक बात और मैं बताऊंगा आपको कि नॉर्मली आप सब जानते भी होंगे, जब किसी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट अगर वाटर रहता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। रीजन यह है कि एक्वा का मतलब वाटर होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं जब सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर हो, एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर हो तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, और कहीं भी डायरेक्टली एक्वस सॉल्यूशन कहा जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि उसका सॉल्वेंट वाटर है। तो मोलारिटी पे मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन टाइप ऑल टाइप का क्वेश्चन करा दिया हूँ, आप समझ रहे हो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलालिटी, अनदर टॉपिक हमारा मोलालिटी। मोलालिटी मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी का डेफिनेशन होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट रहता है उसी मोल को हम लोग बोलते हैं मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट रहता है वही उस सॉल्यूशन का मोलालिटी कहलाता है। मीन्स इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अब लाइक मोलालिटी, यहां भी मैथमेटिकल फॉर्मूला, मीन्स मोलालिटी एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलेक्युलर ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस तरह से मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल, जिस तरह से हम लोगों ने मोलालिटी पे न्यूमेरिकल्स किया था उसी तरह से मोलालिटी पे भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, स्टार्टिंग में सिंपल फिर आगे बढ़ते जाएंगे। हालांकि जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको मोलालिटी में समझा दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, उस कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे दोबारा फिर बताने की जरूरत नहीं है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज 1.96 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 kg वाटर, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1.96 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 kg वाटर, फाइंड मोलालिटी। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलालिटी इज इक्वल टू 1.96 ग्राम सॉल्यूट का मास है, इसको लिख दिया। 98 ग्राम H2SO4 का मोलिकुलर मास है, उसको भी लिखा। 2 kg सॉल्वेंट का मास है, उसको लिख दिया। यहाँ पे 98 से कट करोगे 0.02 हो जाएगा, 2 से कट करोगे 0.01 हो गया। मीन्स सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या हो गया, 0.01। तो इस तरह से आप मोलालिटी इसका निकाल लोगे। अब फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 ग्राम यूरिया, यूरिया का मोलेकुलर फॉर्मूला NH2CuNH2 होता है। 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1500 ग्राम सॉल्वेंट, फाइंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी निकालने के लिए मैं क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट यूरिया का मोलेकुलर फॉर्मूला गिवन है तो मोलेकुलर मास निकाल लेंगे। यूरिया का मास है 120 ग्राम, इसका गिवन मास है। यूरिया का मोलेकुलर मास 60 ग्राम होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। यूरिया में 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 14, यूरिया हैज 4 हाइड्रोजन्स तो 4 × 1, प्लस यूरिया हैज 1 कार्बन तो 12 एंड 1 ऑक्सीजन इज 16, सबको ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट यहाँ पे 1500 ग्राम है,
ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड से डिवाइड करेंगे, जब थाउजेंड से डिवाइड करोगे थाउजेंड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 ऊपर लिख देंगे। आप इसको सॉल्व करो, 2020 कैंसिल हो गया, ये आपका 2 हो गया, मीन्स कितना आ गया जी 20। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, मीन्स अगर आपको सोल्यूशन का सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया हुआ है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना है, यही बात यहाँ पे मैं आपको सिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो देने जा रहा हूँ, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे क्या होगा, हर क्वेश्चन में कुछ कुछ न्यू पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। मींस हियर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, एंड यू हैव टू कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोलालिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास ऑलरेडी गिवन, मोलिकुलर ऑफ सॉल्यूट यू कैन कैलकुलेट, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन वी कैन कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्वेंट, और जब सॉल्वेंट का वेट निकाल लेंगे फिर हम मोलालिटी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास निकालने का फॉर्मूला वही पहले से हम जानते हैं, डी इज इक्वल टू एम बाई वी, तो एम इज इक्वल टू डी वी हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, बट डेंसिटी हियर ग्राम पर मिलीलीटर में है, डेंसिटी है, इस वजह से वॉल्यूम को लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 लीटर मीन्स 2000 मिलीलीटर, डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसल आउट, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2200 ग्राम आपके सॉल्यूट का सॉल्यूशन का मास हो गया, सॉल्यूशन का मास 2200 ग्राम हो गया। लेकिन हमें चाहिए मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए सॉल्वेंट का मास, तो वी नो दैट मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के मास के सम को सॉल्यूशन का मास बोलते हैं, तो सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को जो माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट। ट्वेंटी टू हंड्रेड ग्राम माइनस 100 ग्राम मीन्स 2100 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। नाउ वी आर कैपेबल टू कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज 100 ग्राम। मोलेकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो 100, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 2100 ग्राम। लेकिन हमें सॉल्वेंट का मास केजी में चाहिए, तो 1000 से यहाँ डिवाइड करेंगे, जब 1000 से डिवाइड करोगे 1000 उलट के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ गया 1000। अब आप कैलकुलेट करो, 20 से 20 कैंसिल हो गया, फिर 10 से 10 कैंसिल, फिर इससे 0 कैंसिल, बचेगा 10/21। तो इस तरह से आप मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है तब भी, लेकिन साथ में डेंसिटी होना चाहिए, तभी आप वॉल्यूम से आप मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक और स्टेप आपको बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊंगा। लेट अस सी दिस क्वेश्चन हियर। 72 ग्राम वाटर इज मिक्स्ड विथ 180 ग्राम ग्लूकोज
180 ग्राम ग्लूकोज, फाइंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे अब तक मैं जितना भी क्वेश्चन आपको कराया हूं, वो मोलारिटी का क्वेश्चन हो या मोलालिटी का, सब में मैं क्वेश्चन में बोलता था कि इतना ग्राम कोई पर्टिकुलर कंपाउंड इज एडेड इन दिस, इतना ग्राम, इतना मिलीलीटर या इतना वॉल्यूम या इतना ग्राम सॉल्वेंट या वाटर, मींस इसको इसमें डाला गया। तो जिसको डालते हो उस जनरली वो सॉल्यूट रहता है, और जिस चीज में डालते हो वो जनरली सॉल्वेंट होता है। दिस इज आवर कॉमन परसेप्शन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि शरबत कैसे बनाते हैं, तो वी पुट शुगर इन वाटर टू मेक सिरप और शरबत। वी नेवर से वी पुट वाटर इन शुगर टू मेक सिरप और शरबत। हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि शरबत बनाना है, तो ये नहीं कोई बोलता है कि हमें पानी, चीनी में पानी डालना है शरबत बनाने के लिए, नहीं। क्योंकि नॉर्मली हमारा परसेप्शन है कि जिसको डालते हैं वो कम रहता है, वो सॉल्यूट है। जिसमें डालते हैं, जिसको मिस पुट करते, जिसमें पुट करते हो वो सॉल्वेंट है, उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। दिस इज आवर जनरल परसेप्शन और कॉमन परसेप्शन, बट टेक्निकली इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, और यह डिफरेंस आपको इस क्वेश्चन में दिखेगा। हियर 72 ग्राम वाटर इज मिक्स्ड विथ 180 ग्राम ग्लूकोज, फाइंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां मैं ये नहीं बोला हूं कि किसको किसमें डाला गया है, यहां पे दो कंपाउंड को मिक्स किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है, दो सब्सटेंस को मिक्स किया गया है, और टू सब्सटेंस को मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का मोलालिटी पूछा जा रहा है। तो मोलालिटी डिटरमिन करने के लिए आपको सॉल्यूट पता होना जरूरी है, और सॉल्यूट का टेक्निकल डेफिनेशन है, सॉल्यूट इज दैट विच मोल इज लेसर देन सॉल्वेंट। तो हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि वाटर और ग्लूकोज के मिक्सचर में विच इज सॉल्यूट, इसके लिए हमें निकालना होगा उनका मोल। जिसका मोल कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट होगा। तो देखो निकालते हैं, एन वाटर मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, वाटर का मोल कितना होगा 72/18, 4 मोल वाटर हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल निकालने हम लोग जा रहे हैं, वन एट्टी ग्राम गिवेन मास है, और ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 ग्राम, 180/181 हो गया। तो आप देख रहे हो हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सो ग्लूकोज इज सॉल्यूट। जैसे ही पता चला है ग्लूकोज सॉल्यूट है, आराम से मोलालिटी निकल जाएगा। तो मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना है आपका 180 ग्राम, मोलिकुलर मास 180 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर है, इसका मास 72 ग्राम है बट ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करना होगा। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जब आपको करना होगा मोलालिटी निकालना होगा। जब आपको पता नहीं रहेगा कौन सॉल्यूट है, तो उस केस में आपको देखना होगा किसका मोल ज़्यादा है। जिसका मोल ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका मोल कम होगा वो सॉल्यूट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मोलालिटी को पढ़ लिया। जिस तरह से मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी पे बहुत सारे अलग अलग तरह क्वेश्चन दिया, उस तरह से यहाँ भी क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन उस सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। उसी तरीका से मोलारिटी निकालते वक्त हम लोग डेंसिटी के हेल्प से मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे हम लोग डेंसिटी के हेल्प से वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करेंगे, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब हम लोग इस पॉइंट पे अब आ गए हैं जहाँ पे मोलालिटी और मोलारिटी दो मैं आपको पढ़ा दिया, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट यह है कि विच इज बेटर, मीन्स बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी विच इज बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मीन्स मोलालिटी और मोलारिटी में बेटर कंसेंट्रेशन कौन होगा। तो मोलालिटी और मोलारिटी में बेटर कंसेंट्रेशन कौन होगा ये डिसाइड करने के लिए हमें देखना होगा कि मोलालिटी और मोलारिटी में डिफरेंस क्या है। तो मोलालिटी में वॉल्यूम आता है जबकि मोलालिटी में मास रहता है, वॉल्यूम नहीं रहता है। वॉल्यूम किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, खासकर गैस का। तो टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम बदलने से मोलारिटी बदल जाएगा। जबकि मास किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए टेम्परेचर बदलने से मोलालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट व्हाइल मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने का मीनिंग यह हुआ कि मोलालिटी मोलारिटी से बेटर मेथड हुआ। क्योंकि जैसे मान लो आपने एक सोल्यूशन बनाया, इस सोल्यूशन का मोलारिटी है अभी 0.1, टेम्परेचर है 30 डिग्री। आप इसके टेम्परेचर को 30 से 50 कर दोगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दोगे, इसका मोलारिटी 0.1 से चेंज हो जाएगा। जबकि मोलालिटी चेंज नहीं होगा, इसलिए क्योंकि मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। दैट्स वाई मोलालिटी इज बेटर मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। आफ्टर स्टडी ऑफ मोलालिटी एंड मोलारिटी, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी। अब तक मैं आपको यह पढ़ाया कि मोलालिटी क्या है, मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर मैंने बताया कि व्हाट इज मोलालिटी एंड हाउ कुड वी कैलकुलेट मोलालिटी। नाउ मैं ये भी बताया कि बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, मोलालिटी इज बेटर मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन बिकॉज मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट व्हाइल मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मोलालिटी मोलारिटी से बेटर है। लेकिन अब अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। मोलारिटी और मोलारिटी रिलेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस रिलेशन पे कई सारे एग्जाम्स में रेगुलर, आई थिंक कई सारे एग्जाम क्या मैं बोल सकता हूँ कि नीट और जेईई मेन में रेगुलरली इस पे क्वेश्चंस आता है। इसलिए इस फॉर्मूला को आपको समझना ही बहुत ज़रूरी है और इस फॉर्मूला को मेमोराइज करके रखना ही बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ जो मैं कंसेंट्रेशन ही मैं पढ़ा रहा हूँ, यह कंसेंट्रेशन 11th के साथ साथ 12th का भी केमिस्ट्री का पार्ट है। 12th में आपको पढ़ाया जाएगा सोल्यूशन जब चैप्टर, तो 12th में भी सेम ये सब पढ़ना है। कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो 11th में पढ़ना है सेम 12th में भी पढ़ना है। इसका मीनिंग हुआ कि ये सारी चीज़ें 12th बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा। जब 12th बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा तो उसमें ध्यान रखना होगा, 12th बोर्ड एग्ज़ाम में अगर रिलेशन पूछेगा तो आपको बकायदा जिस तरह से मैं ड्राइव की उस तरह से करना होगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए ए मोलालिटी और मोलालिटी के बीच में मैं कैसे रिलेशन डिराइव किया हूँ। यहाँ पे मैंने माना ये सोल्यूशन है, कैपिटल एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मोलालिटी को, कैपिटल एम मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, ए स्मॉल एम मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, डी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर। हियर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज टेकन इन ग्राम पर मिलीलीटर। एम सॉल्यूट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये डेटा दिया, इसको इस्तेमाल करके मुझे मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन लाना है। अब यहां मैं आपको बता दिया आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई वी, तो एम इज इक्वल टू डी वी, ये तो आप सब जानते हो, कई बार मैं इसको यूज कर चुका हूं, यू ऑल नो दिस। अब रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो मेरा मानना है कि अगर दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकालना है तो आप एक को फॉर्मूला को दूसरे के टर्म्स में निकालो। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला मेरा यहाँ पे मेरा जो स्ट्रैटेजी है, मैं सबसे पहले बता दूँ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू डिराइव सच रिलेशन। तो स्ट्रैटेजी है कि पहले मैं वन लीटर सोल्यूशन का मास निकाल लूंगा, क्योंकि डेंसिटी दिया हुआ है, 1 लीटर सोल्यूशन का मैं मास निकाल लिया। फिर 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्वेंट का मास कितना मैं निकाल लूंगा, सॉल्वेंट का मास मैं निकाल लिया। 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का मोल कितना है वो गिवेन है, तो क्या निकल जाएगा मोलालिटी। तो देखिए कैपिटल एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मोलारिटी को। डेफिनेशन है मोलारिटी का, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन।
मींस जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर लोगे तो जो सॉल्यूशन का मोलारिटी होगा वही उसका नंबर ऑफ मोल होगा, या जो नंबर ऑफ मोल होगा वही उसका मोलारिटी होगा। क्योंकि आपको डेफिनेशन में बताया जाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट्स का रहता है वही उस सॉल्यूशन का मोलारिटी कहलाता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि हमारे अगर सॉल्यूशन का मोलारिटी कैपिटल एम है, इसका मीनिंग हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल होगा वो कैपिटल एम होगा। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इन 1 लीटर सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कैपिटल एम। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल कैपिटल एम होगा, ये क्लियर है। क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट्स का मोल रहता है उसी को मोलारिटी बोलते हैं। तो मुझे पता चल गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल कितना है। मोलारिटी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मोलारिटी का फॉर्मूला मैं साइड में लिख दे रहा हूं। यहां पे मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, हमें यही चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल है वो कैपिटल एम है। अब मेरा अल्टीमेट टारगेट वर है कि मैं 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर लूं। इसके लिए सबसे पहले आई विल कैलकुलेट मास ऑफ 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन का मास निकालने का तरीका क्या है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 1 लीटर मीन्स 1000 मिली, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया। उसके पीछे रीजन यह है कि डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर मिलीलीटर है, तो यूनिट सेम होना चाहिए, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में है, सो आई हैव टेकन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर इंटू डी ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल आउट हो गया, मास आ गया 1000 डी ग्राम। 1 लीटर सॉल्यूशन का मास हुआ 1000 डी ग्राम। अब यहां पे लिखा हुआ भी है कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब मुझे निकालना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना है, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन का मास मिल गया। अब उसमें सॉल्यूट का मास अगर मिल जाएगा तो मैं सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दूंगा, तो किसका मास मिल जाएगा जी, सॉल्वेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास कैसे निकालेंगे जी, सॉल्यूट का मोल पता है, सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट पता है, तो मास कैसे निकालेंगे। तो देखो जी, दिस इज वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलिकुलर वेट। मीन्स किसी कंपाउंड का अगर मास पता है, मोलिकुलर वेट पता है, यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। बट इफ नंबर ऑफ मोल इज नोन, मोलिकुलर वेट इज नोन, देन यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट। तो आपके सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट है एम सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल है पे कैपिटल एम, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज विल बी व्हाट, तो एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और इस तरह से एम सॉल्यूट हो गया मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट का मास पता चल गया, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है पता चल गया, अब क्या निकालना है, सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, तो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मास है 1000 डी ग्राम और सॉल्यूट का मास है mm सॉल्यूट। यह आ गया सॉल्वेंट का मास, लेकिन यह मास ग्राम में है। अब इसको हम लोग पुट करेंगे अपने मोलालिटी के एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कैपिटल एम हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ सॉल्यूट में लिख दिया, फॉर्मूला मोलालिटी का ही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सॉल्वेंट का वेट जो है यह 1000 डी माइनस mm सॉल्यूट ये ग्राम में है, इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड करना होगा। तब 1000 को इससे डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चला जाएगा,
और एक एक्सप्रेशन आपको मिल गया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी. हियर ऑल सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग, देयर इज नो अदरवाइज. दैट मीन्स ए स्मॉल एम रिप्रेजेंट्स मोलालिटी, कैपिटल एम रिप्रेजेंट्स मोलारिटी, डी रिप्रेजेंट डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर माइंड इट. एम सॉल्यूट इज मोलेक्युलर ऑफ सॉल्यूट. मोलेक्युलर ऑफ सॉल्यूट एंड थाउजेंड इज थाउजेंड. तो इस तरह से आप देख रहे हो मैं रिलेशन निकाल लिया. यह रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. जो स्टूडेंट 11th क्लास में है उनके लिए तो एकेडमिक एग्जाम नहीं होता है, बट ये सेम टॉपिक्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाऊंगा. मीन्स 12th क्लास में पढ़ना है और उसके लिए भी आपको पढ़ना होगा. लेकिन जो 12th के स्टूडेंट्स होंगे वो जब एग्जाम्स देने जाएंगे एकेडमिक एग्जाम और वहाँ पर अगर बोलेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, तब आपको बकायदा सारा काम करना होगा. या अगर क्वेश्चन पूछेगा इस फॉर्मूला पे तब भी आपको डिराइव करना होगा. मीन्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और रिलेशनशिप, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस रिलेशनशिप पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे. कई सारे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आया है इस पे. ये जो रिलेशन पढ़े हो अभी आप मोलालिटी और मोलालिटी के बारे में, यह रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिलेशन में बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है. उसका एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं. यह क्वेश्चन जेई मेन एंड नीट दोनों का है. पहले जेई मेन में आया फिर नीट में रिपीट हुआ और इस पैटर्न का रेगुलरली क्वेश्चन आता है. लास्ट ईयर भी नीट में क्वेश्चन आया था इस तरह का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये फॉर्मूला आप देख रहे हो अभी जो मैं आपको बताया हूँ मोलालिटी और मोलारिटी फॉर्मूला यही है. मोलालिटी एंड मोलारिटी के जो रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला यह है, ए स्मॉल एम मोलालिटी, कैपिटल एम मोलारिटी, डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर मिलीलीटर, कैपिटल एम मोलारिटी, एम सॉल्यूट मोलेक्युलर ऑफ सॉल्यूट होता है. इस अब क्वेश्चन क्या है उसको देखो. क्वेश्चन है एक सॉल्यूशन दिया हुआ है एसिटिक एसिड का. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH. एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है. एक और बात, जब भी किसी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट का डिस्कशन ना हो, मीन सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी ना बोला जाए, तो यू कैन टेक और यू कैन रिज्यूम सॉल्वेंट इज वाटर. यहाँ पे एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है. इसका मोलारिटी दिया हुआ है 2.05. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन. मोलालिटी हमें कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला का यूज करेंगे. मोलालिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू थाउजेंड बाई थाउजेंड डी माइनस एम एम सॉल्यूट. एम कैपिटल एम की जगह पे मोलालिटी पुट कर दिया, थाउजेंड थाउजेंड रह गया. डेंसिटी 1.02 एंड फिर मोलारिटी के जगह पे 2.05 एंड एम सॉल्यूट 60. एसिटिक एसिड का मोलेक्युलेट कैलकुलेट करोगे 60 आएगा. सपो कैलकुलेट करोगे 2.228 आ जाएगा. तो इस तरह से ये फॉर्मूला याद है तो आप इस तरह कोई क्वेश्चन कर लोगे. तो यहाँ पे फॉर्मूला याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरह का फॉर्मूला आपको मेमोराइज करके रखना होगा. ये VVI की तरह आप फॉर्मूला होता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप दिमाग में रखिएगा. After relation between molarity and molality, now I am going to switch over next concentration terms and that is mole fraction. अब हम mole fraction को पढ़ने जा रहे हैं कि mole fraction क्या होगा. तो देखो जी, fraction word का मीनिंग पहले मैं आप थोड़ा क्लियर कर दूँ. जैसे मान लो पूरे क्लासरूम में आपके 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 10 गर्ल्स है. कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका मीन्स बताओ गर्ल्स का फ्रैक्शन, गर्ल्स स्टूडेंट का फ्रैक्शन कितना है. जिसका फ्रैक्शन निकालना रहता है उसके नंबर को आप ऊपर रखते हो, टोटल नंबर से डिवाइड करते हो, फ्रैक्शन आ गया. मीन्स अगर टोटल स्टूडेंट 50 है और 10 गर्ल्स है तो गर्ल्स के नंबर का फ्रैक्शन क्या होगा, 10/50. 10/50 का मीनिंग क्या हुआ, 1/5.
तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स, बॉयज स्टूडेंट्स के नंबर का फ्रैक्शन क्या होगा, तो बॉयज स्टूडेंट्स के नंबर को ऊपर रखो, टोटल नंबर से डिवाइड करो, जो आएगा वो बॉयज के नंबर का फ्रैक्शन होगा और होगा 40/50 मीन्स 4/5। तो ये हुआ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मीनिंग क्या हो, जब भी किसी चीज का फ्रैक्शन में डिवाइड किया जाता है तो जिसका फ्रैक्शन वो डिफाइन करते हैं एज ए होल को वन मान लेते हैं। जैसे आप परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हो, परसेंटेज जब रिप्रेजेंट करते हो तो एज ए होल को 100% मानते हो और कंपोनेंट का अलग अलग परसेंटेज हो जाता है। जैसे मान लो पूरे क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स है और पूरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, उसमें 10 गर्ल्स है, तो बोलेगा गर्ल्स का परसेंटेज कितना होगा 10%, बॉयज़ का परसेंटेज कितना हुआ 90%, दोनों को मिला दो कितना हो जाएगा 100%। तो परसेंटेज हम लोग डिफाइन करते हैं तो पूरे एज ए होल को 100 मानते हैं, जब फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं तो एज ए होल को 1 मानते हैं। इसलिए कहीं पे जिसका फ्रैक्शन निकालते हैं और दोनों फ्रैक्शन के सम करोगे तो 1 हो जाएगा। मींस पूरे क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स है, 10 गर्ल्स है, 40 बॉयज़ है, तो गर्ल्स स्टूडेंट्स के नंबर का फ्रैक्शन बॉयज स्टूडेंट के नंबर के फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो 1 हो जाता है। मीन्स एज ए होल को हम लोग 1 मानते हैं और 1 का बताते हैं कि 1 का कितना पार्ट गर्ल्स है, 1 का कितना पार्ट बॉयज़ है। इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं। सेम फ्रैक्शन यहाँ भी आ गया, लेकिन चूंकि ये मोल का फ्रैक्शन इसलिए इसका नेम हो गया मोल फ्रैक्शन। मीन्स सोल्यूशन हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स, 1 इज सॉल्यूट अदर इज सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मोल N1 है, सॉल्वेंट का मोल N2 है। अब हमें बताना है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है, हमें बताना है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो पहले तो मैं सिम्बॉलिकली जो रिप्रेजेंट किया उसको दिखा दूँ। N1 से हम लोगों ने सॉल्यूट के मोल को रिप्रेजेंट किया है, N2 से सॉल्वेंट के मोल को रिप्रेजेंट किया है, X1 से सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को मैं रिप्रेजेंट किया हूँ एंड X2 से सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को मैं रिप्रेजेंट किया हूँ। अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक टोटली मैथमेटिकल टर्म है। अगर पूछे व्हाट इज मोल फ्रैक्शन तो बोलेंगे इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टोटल मोल्स, या टोटल मोल्स का फ्रैक्शनल पार्ट है। मीन्स मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन होगा इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टोटल मोल्स। बट टेक्निकली इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है। मैथमेटिकली जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, जैसे मान लो आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर रखो, टोटल मोल से डिवाइड कर दो। यहाँ पे सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का मोल N1 है, सॉल्वेंट का मोल N2 है, N1 प्लस N2 करोगे सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा। तो अगर सॉल्यूट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर रखो, टोटल मोल से डिवाइड करो। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल को ऊपर रखो, टोटल मोल से डिवाइड करो। ये आपका हुआ मोल फ्रैक्शन। तब मोल फ्रैक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, तो बोल सकता हूँ इट इज मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन आप ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज मोलर रेशियो ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन टू द टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। मीन्स सोल्यूशन में जिसका, सोल्यूशन में दो कॉम्पोनेंट है, तो एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर रखो, टोटल मोल से डिवाइड करो। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्वेंट के मोल को ऊपर रखो, टोटल मोल से डिवाइड करो, जो आएगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर तुम्हारे सॉल्यूशन में अगर मोर देन 1 कंपोनेंट होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब सबका निकलेगा मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल को ऊपर रखेंगे और सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स होंगे सबके मोल के सम से डिवाइड करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन हुआ इट इज मोलर रेशियो ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन टू द टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखो, टोटल मोल से आप डिवाइड करो, मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब आप देखो X1 है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, X2 है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, दोनों का आप ऐड करो, X1 प्लस X2 ऐड करोगे, दोनों का न्यूमरेटर कॉमन है, N1 प्लस N2 ऊपर आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, कैंसिल होकर 1 हो गया। मीन्स किसी सोल्यूशन के दोनों कॉम्पोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 हो गया। मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। मीन्स अगर आपको एक कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का आप निकाल सकते हो 1 से माइनस करके, क्योंकि अभी मैं आपको बताया हूँ
कि फ्रैक्शन जैसा ही मोल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन एक ऐसे में जैसे मैं एग्जांपल लिया था कि पूरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, 10 गर्ल्स है, 40 बॉयज़ है, गर्ल्स का फ्रैक्शन होगा 1/5, बॉयज़ का फ्रैक्शन होगा 4/5, दोनों को ऐड कर दो हो जाएगा 1। तो ये आपका हुआ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक तरह से मोल का फ्रैक्शन होता है, मीन्स जहाँ भी मिक्सचर होता है, जहाँ भी मोर देन वन कॉम्पोनेंट होता है, वहाँ पर आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो, और जब वो फ्रैक्शन मोल के टर्म्स में होगा तो उसको मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन में उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, तब बोलोगे इट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टोटल मोल्स। आप ऐसे ही बोल सकते हो इट इज़ मोलर रेशियो ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन टू द टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। जिस कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे, टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। यह हुआ आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ मोल्स। मोल्स का रेशियो होने की वजह से मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल कैंसिल हो जाएगा और यूनिट लेस होता है। मीन्स मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम लोग इस मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। दिस इज बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम मोल फ्रैक्शन। हियर मिक्सर है 72 ग्राम वाटर एंड 120 ग्राम यूरिया। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड यूरिया एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई सॉल्वेंट। आपको बताना है कि यहाँ पे यूरिया और वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, साथ में ये भी बताना है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। चलिए निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालते हैं। वाटर का मास है 72 ग्राम, वाटर का एटॉमिक मास 18 ग्राम, वाटर का मोल हुआ 4, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का मास है 120 ग्राम, यूरिया का मोलिकुलर मास, आप सबको मैं बताया हूँ कि यूरिया का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है NH2CuNH2 एंड इट्स मोलिकुलर वेट विल बी 60 ग्राम, 2 अमोल। अब मैं आपको बताया था कि जिसका मोल ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। हियर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूको यूरिया, सो वाटर इज सॉल्वेंट। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर यूरिया दोनों का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, कितना है जी, वाटर का मोल है 4 / नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया 2, ये हो गया 4/6 मीन्स 2/3। तो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो यूरिया का मोल को ऊपर रखेंगे, उसका मोल कितना है 2 है, / टोटल मोल से डिवाइड करेंगे 4+2, तो 2/6 मीन्स 1/3 हो गया। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर वाटर का मोल निकाले, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाले और 2/3 यूरिया का निकालना हो तो 1 से माइनस कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो और डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जिसका मोल ज़्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। देख लो यहाँ पे, हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो इस कॉन्सेप्ट से अब मैं हमेशा बोलूंगा और आपको यही याद रखना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से ऑलवेज ग्रेटर होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फॉर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मीन्स ज़्यादा है, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। और आप तो पता कर सकते हो क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। तो आप किसी सॉल्यूशन में देख करके ही समझ जाओगे कि किसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। जिस कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन हाइयर होगा वह कॉम्पोनेंट आपका होगा सॉल्वेंट और दूसरा कॉम्पोनेंट होगा सॉल्यूट। कई सारे क्वेश्चंस आपके जेई एडवांस एग्जाम में, जेई मेन की बात तो
छोड़ो, जो एडवांस एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सॉल्वेंट के आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर रहता है, और मेडिकल एग्जाम में तो रेगुलरली आता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सॉल्वेंट कौन है। सॉल्वेंट वह होता है जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो आप इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा सॉल्वेंट के बेसिस पे उसको आप कर सकते हो। अब आगे क्वेश्चन में देख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज, एंड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि मैं भले ही आपको बताया हूँ कि वाटर को हम लोग एक्वा बोलते हैं, इसलिए किसी सोल्यूशन का सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उस सोल्यूशन को हम लोग एक्वा सोल्यूशन बोलेंगे। एक्वा सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में कई बार मैं लिखूंगा एक्यू सोल्यूशन। आप ध्यान रखिएगा, ऐसा कई बार मैं लिख सकता हूँ और ऐसा लिखा जाता है। अब इस एक्वा सोल्यूशन में गिवन है मास परसेंटेज, हो रहा है मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज 60, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसका मीनिंग यह हुआ कि इस मिक्सचर का 100 ग्राम अगर आप लोगे तो उसमें 60 ग्राम होगा ग्लूकोज एंड 40 ग्राम होगा वाटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा यू हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हिच इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट पता करने के लिए हम लोग मोल निकालेंगे, उससे पहले मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग मास निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 100 ग्राम मिक्सचर, 100 ग्राम मिक्सचर मास ऑफ ग्लूकोज इज 60 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर 100 माइनस 60 मीन्स 40 ग्राम। अब दोनों का मास मिल गया, अब हम मोल निकालेंगे। तो इसके बेसिस से मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना होगा, 40 ग्राम बाई 18, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कितना होगा तो 60 बाई 180, 1/3 हो गया। तो क्लियरली आप देख रहे हो ग्लूकोज का मोल 1 से कम है जबकि वाटर का मोल 1 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा, 38 2 से भी ज़्यादा है। इसका मीनिंग हुआ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज हो गया, सो वाटर इज सॉल्वेंट। तो जैसे पता चला आपको कि वाटर सॉल्वेंट है, आप आराम से आप वाटर के मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, वाटर के नंबर ऑफ मोल में डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से, मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल 1/3 है। इस तरह से वाटर का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, और ये अपने आप एक तरह क्वेश्चन हुआ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, और फिर उस पर बेहतरीन न्यूमेरिकल्स होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यह रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके मोलालिटी सॉल्यूशन का मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में है। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिया हूँ जिसमें सॉल्यूट का मोल N1 है, सॉल्वेंट का मोल N2 है। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को मैं X1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को मैं X2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Here, M solvent represents molecular weight of solvent. M solvent, solvent के molecular weight को represent कर रहा है। अब आप देखो अगला step. मैं आप सबको बताया हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ सॉल्यूट के मोल में पूरे सोल्यूशन के मोल से डिवाइड कर दो, मीन्स X1 इज इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2। सिमिलरली X2 इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब अगला स्टेप में इसमें किया, क्योंकि इस सब का आगे मैं यूज़ करूंगा इसलिए मैं कर लिया हूँ, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से मैं डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से X1 बाई X2 हो गया, X1 बाई X2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 हो गया। अब आप सबको पता है कि किसी सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, इसलिए
एक्स टू के बदले मैंने क्या लिख दिया, वन माइनस एक्स वन मीन्स एक्स टू इज इक्वल टू होगा वन माइनस एक्स वन, इसको मैं यहाँ कर दिया, मीन्स एक्स वन बाई एक्स टू को एक्स वन बाई एक्स टू इज इक्वल टू एन वन बाई एन टू, तो एक्स टू के जगह पे मैंने वन माइनस एक्स वन कर दिया और एन वन बाई एन टू का वैल्यू, एन वन बाई एन टू का जो रेशियो है उसको मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ मोलालिटी के पास, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्यूट का मोल नोन है एन वन है मैंने पुट कर दिया, अब मुझे सॉल्वेंट का वेट निकालना है। तो मैं इससे पहले भी आपको बताया हूँ कि किसी का नंबर ऑफ मोल्स पता हो उसका मोलिकुलर वेट पता हो तो यू कैन कैलकुलेट देयर मास, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट, वही मैं यहाँ पे किया हूँ। मुझे सॉल्वेंट का वेट निकालना है तो मैं सॉल्वेंट का मोल एन टू से सॉल्वेंट के मोलिकुलर मास एम सॉल्वेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया सॉल्वेंट का मास, लेकिन वो ग्राम में आया, मुझे केजी में चाहिए इसलिए मैंने थाउजेंड डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद थाउजेंड ऊपर चला गया ए आ गया। अब यहाँ पे एन वन बाई एन टू का जो रेशियो है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स वन से, मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन वन बाई एन टू इन अबव इक्वेशन, और एन वन बाई एन टू की जगह पे मैंने लिख दिया एक्स वन बाई वन माइनस एक्स वन, यही आ गया आपका रिलेशन जो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन है। इस रिलेशन में ऑल सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग, देयर इज नो अदरवाइज, दैट मीन्स ए स्मॉल एम रिप्रेजेंट्स मोलालिटी, एक्स वन रिप्रेजेंट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, माइंड इट ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, कभी भूलना नहीं इस बात को, एक्स वन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एम सॉल्वेंट इज मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड थाउजेंड इज थाउजेंड। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को मेमोराइज करना और मेमोराइज रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन दिस फॉर्मूला, और आप उस क्वेश्चन को बनाइए और फिर एंजॉय कीजिए। यह क्वेश्चन IIT 2008 में आया था और आप देखो किस तरह से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन यह है कि वाटर इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, वाटर है, और इस मिक्सचर में वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.1। यू हैव टू कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलालिटी निकालना है। सॉल्यूशन का मोलालिटी निकालने के लिए भी फॉर्मूला जो मैं आपको दिया हूँ उस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। मोलालिटी इज इक्वल टू एक्स वन बाई वन माइनस एक्स वन इंटू थाउजेंड बाई एम सॉल्वेंट। दिस क्वेश्चन नीड्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जिस बच्चा को सॉल्वेंट और सॉल्यूट पहचानने आता होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेगा। अब देखो जी, वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो इस मिक्सचर में यहाँ पे इस इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा जी, तो 1 माइनस 0.1 भी 0.9 होगा, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि किसी सॉल्यूशन के सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल हो गया 0.9, तो क्लियर हो गया मोल फ्रैक्शन किसका कम है, वाटर का। तो हियर वाटर इज सॉल्यूट, यहाँ पे वाटर सॉल्यूट है, हियर वाटर इज सॉल्यूट। अगर वाटर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कौन है, इथाइल अल्कोहल, वापस फॉर्मूला पुट कर दो, एम इज इक्वल टू एक्स वन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे वाटर है उसका मोल फ्रैक्शन 0.1 है, 0.1 पुट करो बाई 1 माइनस 0.1 इंटू थाउजेंड बाई एम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का मोलिकुलर 46 होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आंसर हो गया। बट IIT को ऐसा लगा कि हो सकता है कोई स्टूडेंट्स बाई डिफॉल्ट करेक्ट कर दिया हो, उसने सॉल्वेंट के तौर पे इथाइल अल्कोहल ले लिया बिना समझे। तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कन्फर्म करने के लिए IIT ने इस क्वेश्चन में पार्ट टू ऐड किया और लिखा फर्दर एडिशन ऑफ वाटर। मीन्स और इसमें वाटर ऐड किया गया,
आफ्टर फर्दर एडिशन ऑफ वाटर नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर चेंज्ड, बट कॉम्पोनेंट विल बी सेम, स्टिल अभी भी सॉल्यूशन में अल्कोहल और वाटर ही होगा, बट नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.9, अब वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.9 हो गया। अब फिर आपसे बोल रहा है कि मोलालिटी कैलकुलेट करो, मोलालिटी फिर निकालो, फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मोलालिटी इज इक्वल टू एक्स वन बाई वन माइनस एक्स वन, थाउजेंड बाई एम सॉल्वेंट। इसमें कितने सर बच्चा मिस्टेक करता है, अब जैसे ही तुम्हारा वाटर, ये तो नेचुरल है, वाटर का एडिशन ज्यादा करोगे, वाटर जब ज्यादा हो जाएगा तो उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। अब वाटर का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.9, अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.9 हो गया तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1.09 मीन्स कितना हो गया 0.1। इस बार मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा है, वाटर का, इस बार वाटर सॉल्वेंट हो गया। हियर हियर H2O इज सॉल्वेंट, हियर H2O इज सॉल्वेंट, यहां पे वाटर सॉल्वेंट हो गया। जब वाटर सॉल्वेंट हो गया तो सॉल्यूट कौन हो गया, इथाइल अल्कोहल, तो अभी भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 ही है, तो फिर m इज इक्वल टू 0.1 बाई 1 माइनस 0.1 इंटू 1000 बाई वाटर का मोलिकुलर वेट लिखेंगे अब, और 18 होगा। इस तरह सॉल्व करोगे आंसर हो जाएगा। इसमें कितने स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे x1 की जगह पे 0.9 लिख देते हैं जबकि 0.1 होगा, क्योंकि x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ सॉल्यूट था इथाइल वाटर, इसका मोल फ्रैक्शन 0.1 था, यहाँ सॉल्यूट है अल्कोहल, बट अभी भी अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0.1 ही है, इसलिए x1 का वैल्यू दोनों जगह सेम हो गया। और इसमें कई सारे बच्चा कन्फ्यूज होकर के क्वेश्चन कहाँ से गलत कर देता है, बट इफ यू हैव क्लियर कॉन्सेप्ट सो यू ऑलवेज गिव राइट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से मैं आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ा दिया और कंसंट्रेशन टॉपिक का मोल फ्रैक्शन कंप्लीटली कंप्लीट हो गया। अगला आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अब मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मीन्स अदर कंसंट्रेशन टर्म्स। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज नॉट वेरी वेरी पॉपुलर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल इट इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन। अब तो इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन होता है, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में जो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है वही उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कहलाता है। मीन्स इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका यूनिट क्या होगा, तो ग्राम पर लीटर, क्योंकि ऊपर ग्राम है नीचे आपका लीटर है। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इज ग्राम पर लीटर। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखो, 196 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे निकालेंगे स्ट्रेंथ जी, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, H2SO4 कितना मास आपने लिया है 196 ग्राम, H2SO4 का मास आपने 196 ग्राम लिया, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 2 लीटर, तो 98 हो गया, मींस 98 ग्राम
पर लीटर हो गया स्ट्रेंथ सॉल्यूशन का। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगला मैं इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट कि आप स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसमें रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि दोनों का फॉर्मूला लिखो। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मैंने लिखा मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। मोलारिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं एम सॉल्यूट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख लो गौर से, आप इस पार्ट को ऐसे कर दो, आप इस पार्ट को देखो, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये क्या बन गया स्ट्रेंथ। तो आप लिख सकते हो मोलारिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाई एम सॉल्यूट, मीन्स आप लिख सकते हो एस इज इक्वल टू एम एम सॉल्यूट। हियर एम इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड एम सॉल्यूट इज मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट में एक रिलेशनशिप आ गया। इस रिलेशन पे अगर कोई क्वेश्चन करना होगा तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आ रहा है फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलारिटी H2SO4, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ 0.2 मोलारिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, राइट। तो क्लियर है। अब स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, वी नो दैट एस इज इक्वल टू एम एम सॉल्यूट, मोलारिटी की जगह पे 0.2, मोलेकुलर ऑफ सॉल्यूट की जगह पे 98, तो कितना हो जाएगा 19.6 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं और इस तरह से स्ट्रेंथ टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद स्ट्रेंथ के आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, और उसी का सब्स्टिट्यूएंट होगा पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर ट्रिलियन, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे।